कैसे खोलना कैसे इसको पहले बताइए। क्या बोलते हो गुरु भाई? सुनो ना, आपका बाइक पहुंच गया हम लोग के पंजोर शॉकर में, तो आप आज जाके आओ ना। अरे बिल्कुल जाएंगे, अभी निकल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वालेकुम वाला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK व्लॉग्स। तो अभी हम हैं पनवेल में, हम से तात्पर्य हम है सत्यादि सागर मोहम्मद सलीम खान। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कैमरे की अनबॉक्सिंग करता हूँ, माइक की अनबॉक्सिंग करता हूँ, कपड़ों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि एक बाइक का अनबॉक्सिंग किया जा रहा है? जी हाँ, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ट्रायम्फ टाइगर 800 XCX, हमारी आने वाली दुल्हन, हमारा खूबसूरत दुल्हन, हमारी भाभी, आर्टिफिशियल भाभी, भाभी बाद में लेके आएंगे जो उसके ऊपर बैठेगी। पहला दर्शन करेंगे हम आज, मुखड़ा देखेंगे आज, मुंह दिखाई, समझ लो मुंह दिखाई व्लॉग है आज। मुंह दिखाई आना था जल्दी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट नहीं, बहुत लेट हो गया। क्या है मेरे को गूगल माता ने, हाँ ये क्या है, ये गलत हो गया, बंद तो नहीं हो गया। तो अभी ऐसा है कि दो चार कॉल हमने किया और फाइनल रिजल्ट ये है कि अभी अश्विन यहाँ पर आ रहा है, आज ही अनबॉक्सिंग स्पेशली हमारे लिए वेयरहाउस स्टॉक यार्ड खुलाया जा रहा है। थैंक यू ट्रायम्फ, थैंक यू सो मच। ऐसा हुआ कि भी अश्विन आया था, हम लोग वहाँ पर गए लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से हम लोग शूट कर भी लेते लेकिन आप लोग को देखने मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा नहीं आता, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर और कल सुबह वापस आएंगे और फिर से अनबॉक्स। देखो ऐसे अगर दुल्हन की शक्ल दिखा दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा मज़ा अच्छे से। हाँ इतने आसानी से चेहरा नहीं दिखा रही है और हम भी मान नहीं रहे ना, हम भी आपको अच्छे से ही दिखाएंगे, तो कल सुबह मिलते हैं। एक ट्रांजिशन, मैं ऐसे एक चुटकी मारूंगा, रात से दिन हो जाएगा। जी हो गया दिन, मैं तो बोलता रहा हूँ मैं जादू करूँ, मैं ऐसे चुटकी मार के दिन से रात कर देता हूँ, रात से दिन कर देता हूँ। वैसे सेम कपड़ा इसलिए पहना गया क्योंकि कंटिन्यूटी करके एक चीज़ होती है, लेकिन इस शॉट में कोई कंटिन्यूटी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुबह से शाम हो रही है, नहीं शाम से सुबह हो रही है, लेकिन बोलना इसलिए ज़रूरी था, लोगों को लगना चाहिए ना कि इसको फिल्म मेकिंग आता है, और ये बोल के बात को सेटल करना भी ज़रूरी है ना क्योंकि MSK। चलो ठीक है, अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चलो आके देखते हैं, मुंह दिखाई के रसम पूरी करते हैं। आ जाइए। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारा अश्विन भाई, ठीक है। कल हम लोग यहाँ पर आए थे, ये हमारे लिए वापस आए थे, उसके लिए थैंक यू यार। लेकिन आज हम इसीलिए आए ताकि हम अच्छे से देख पाए, कल पूरा अंधेरा था, ये कुछ नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर है हमारी, हमारा, इसको हमारी बोलेंगे या हमारा बोलेंगे, हमारी त्रिलिंग दुल्हन तूने रखा है, तो ठीक है, ये है हमारी दुल्हन, दुल्हन यहाँ पर है। आइए इसको अभी उद्घाटन करते, कैसे खोलना कैसे इसको पहले बताइए। चलिए मैं अपनी दुल्हन को खोलते हुए दुल्हन को। ओए हो गया 50%। ओ क्या बात है, तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई। किलर ब्रो, ओ उमनिया, ओ उमनिया, आराम से ओके, मैं जानता हूँ तेरी दुल्हन है ये। ओ ब्लू, आज दिन है ब्लू, मेहनत का धूल है ये, अनबॉक्सिंग का धूल, मुंह दिखाई के धूल, दाग है दाग, लेकिन अच्छे दाग है, दाग अच्छे बोलते हैं ना कि अगर हाथ अगर किसी काम को करते हुए गंदे हो जाए तो वो काम बहुत अच्छा होता, तो सोच लो हाथ गंदे हो गए और क्या निकला, टाइगर। अश्विन भाई थैंक यू सो मच, मतलब पूरा फील दे दिया आपने हमको, पूरा अनबॉक्सिंग वाला फील आ गया, मुझे तो लगा कि सिर्फ कवर उठाने के लिए देंगे मुझे, बाकी अनबॉक्सिंग ये करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग हमने किया, पूरा आपने किया सर, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, मजा आया, मतलब हम लोग इतना जो मेहनत करके दो बार आए उसका फायदा हुआ है। पहली बार इस पे हम बैठने जा रहे हैं। बिंदास बिंदास यही हो कुछ हो। ओह अभी आपको सिर्फ खड़े रह के ऐसे दोनों पैर पे जोर दीजिए, हाँ ब्रेक पुश कीजिए, मैं अभी बेल्ट ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर सलीम खान को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, अपनी बाइक खुद संभालो। ये तो मेरे ऊपर बिल्ला। ओके
उसको बांध के एकदम सस्पेंशन को दबा के रखे, दबा के रखे उस पर मेन बेल्ट पे गाड़ी खड़ी रही थी। ओके ओके ओके, इसकी हेड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, किसकी हेड छोटी करनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग इज डन डन। हार जाती हुई दुल्हन, लड़का फुल मूड में। हाँ, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हमारी है वो। सो फाइनली इज हियर माय टाइगर, ट्राम टाइगर 800XCX ब्लू कलर में, और कुछ ही दिनों में ये रजिस्ट्रेशन हो के हमारे पास आ जाएगी। बट अभी का जो फील है वो चरम सुख पे है। चरम सुख। मजा आ गया यार, सीरियसली। इसीलिए हम लोग दिन में आए ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि ये रात को देखने नहीं मिलता, इसीलिए डेढ़ घंटा दो घंटा ट्रैफिक में आए इसलिए। चलो अश्विन भाई, एक लास्ट टाइम थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, मज़ा आया अनबॉक्सिंग के लिए। थैंक यू। और जाते जाते इसको पप्पी देने का मन कर रहा था, पकड़ लेना। ओहो दुल्हन हमारी, ओ ओहो प्यार देख रहे हो, आ जल्दी आना घर पे, ठीक है, आराम से। दाग लग गया मेरे भाभी, हम इंतजार कर रहे हैं। दाग नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर एक भी। चलो अभी चलते, आ जाओ। बाइक चलाते चलाते हमें लग गई थी भूख, और हम आ चुके हैं मैकडॉनल्ड में। पिछले कुछ दिनों से मैं चीट डाइट को हूँ, तो कुछ भी खा सकती हूँ। हाँ मैं कुछ भी खा सकता हूँ। इधर ये हम दोनों के लिए कपल सीट। क्या खाएगा ब्रो? मैं खाऊंगा एक मुर्गा जिसने मेरे लिए जान दी है। उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दूं, क्योंकि आई एम टू मच हंग्री। टू मच हंग्री? व्हाट यू वांट ब्रो? आई आल्सो वांट मुर्गा जिसने मेरे लिए जान दिया है। ले सत्या, तेरे लिए स्पाइसी चिकन, ये मेरे लिए स्पाइसी चिकन। लेकिन मैं कुछ लोगों को अवार्ड देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग जो रोड पे मुझे मिलते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बस में रहते हैं, वो जो अपने मुंह में गुटखा चबाते हैं, पान चबाते हैं, पूरा स्वैग फुल ऑन। बाइक पे जो लोग होते हैं ऐसे हेलमेट बाहर निकालते हैं और ऐसे पुचुक करके मारते हैं जोर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग गुटखा खाओ, पान खाओ, चैनी फैनी जो भी खाना खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए कि कोई चाइनी गुटखा पान खाए और बस से बाइक से थूके और वो सब उनके ऊपर आए जो गुटखा चबा रहे थे, तो उनको उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द मेरे को हो रहा था। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं बर्गर खाऊँ, स्पाइसी चिकन बर्गर। या नो मीडियम प्लीज, काटे हुए नो मीडियम। मैं इससे ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता मंगाते हुए। जब हम निकले थे यहाँ से तो ये वाइट था, अब ये ऑफ वाइट हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नवी मुंबई के रोड्स और नवी मुंबई का जो वेदर है वो फार बेटर देन मुंबई। ये थोड़ी सी बेइज्जती है हमारे मुंबई की, मैं मुंबई का, लेकिन जो सच है वो सच है, क्या कर सकते हैं। अभी जो मुंह दिखाई की रस्म है वो तो हो चुकी, अब दुल्हन घर में आनी है, तो करनी है तैयारी। जब मैंने ब्लॉगिंग चालू किया था 2 साल पहले, तब से मेरा एक सपना था जो अभी पूरा नहीं हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरा एक सपना है कि मेरा एक साफ सुथरा स्टूडियो हो जहाँ पर मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ रेगुलर, मेरा जो एडिटिंग डेस्क हो बहुत साफ सुथरा हो। और मेरी मम्मी का एक सपना था कि मेरे बेटे का कमरा हमेशा चकाचक रहना चाहिए। सपना 100% पूरा कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उसका कुछ हम कर सकते हैं, बहाना हमारे पास। तो आप जो ये हमारा घर इतना गंदा देख रहे हो, इसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अम्मी जान और हमारे पिताजी, हमारा भाई सूफियाना सब गए हुए गांव, हम यहाँ पर अकेले हैं, तो इसीलिए इतना पसारा हो गया है।
बाकी अम्मी जान ने बोला था कि जब बाइक आएगी तब कम से कम 20 से 25 लोगों को माहिम दरगाह में जाके खाना खिला देना। तो अम्मी की बात तो ये हम सुनेंगे, बाकी अम्मी जो बोलती है साफ सुथरा रहने का, ये बात तो हम आज तक नहीं सुने। वो पता नहीं हमें 100 बात की एक बात वो ये है कि अब हम करेंगे तैयारी टाइगर 800 XCX के घर आने का, तो एकदम फुल तैयारी की जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं कि सब साफ सफाई हो जाए। बाकी इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। Bye-bye. हो गया जी दिन, मैं बोल तो रहा हूँ जादूगर हूँ यार मैं, ऐसे छुट्टी।